हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप देख रहे हो, ये आइकॉन्स दिख रहे होंगे आपको कई सारे फोल्डर्स पे। ये एक रेड सर्कल आ रहा है, उसके अंदर एक वाइट क्रॉस का सिंबल आ रहा है। ठीक है, तो कैसे मैं इसको हटा सकता हूँ? ये क्यों आता है? ये वन ड्राइव की वजह से आता है। ठीक है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव होता है, अगर ये फुल हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हमें इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, मतलब कुछ प्लान लेना पड़ता है। ठीक है, वो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें स्पेस देता है। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए और ये आप चाहते हो इस तरीके से सिंबल्स ना आए आपकी हर एक फाइल में, मतलब काफ़ी सारी फाइल्स में, आप देखो ये वाला डेस्कटॉप पे भी कितनी सारी फाइल्स हैं, उसमें ये रेड सर्कल आ रहा है एंड क्रॉस का सिंबल उसके अंदर आ रहा है। तो मुझे इसको रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जाओगे दिस पीसी के अंदर। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखोगे साइड में क्विक एक्सेस के नीचे ये लिखा हुआ है वन ड्राइव। ठीक है, तो वन ड्राइव पे आप राइट क्लिक करोगे एंड उसके बाद आप जाओगे सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, वन ड्राइव पर्सनल पे आपने राइट क्लिक कर लिया, सेटिंग्स के अंदर आ गए। उसके बाद आप जाओगे अकाउंट के अंदर एंड यहाँ पे आपको इसको अनलिंक करना है। ठीक है, अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हो, क्योंकि इसका स्टोरेज क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। ठीक है, तो मैंने इसको अनलिंक कर दिया। ठीक है, अनलिंक हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये जो सारे जो क्रॉस के सिंबल थे वो हट चुके हैं एंड एक विंडो भी मेरे पास आ गई है। इसको मैं फिर से साइन अप इस पर मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब आप मेरे डेस्कटॉप पे भी देख सकते हो, किसी फोल्डर में देख सकते हो, तो वो जो क्रॉस के सिंबल सिंबल थे वो सारे हट चुके हैं। ठीक है, तो हमने वन ड्राइव को अनलिंक कर दिया। तो तरीका आप समझ गए, आपको बस यहाँ पे क्या करना था, जो नीचे वन ड्राइव लिखा हुआ था उसको राइट क्लिक करके आपको सेटिंग में जाना है, अकाउंट में जाके उसको अनलिंक पे क्लिक करना है। फिर आप रिफ़्रेश करके देखोगे, थोड़ा सा टाइम लेता है ना, रिफ़्रेश करोगे तो 10 मिनट का वो टाइम लेगा। उसके बाद आप देखोगे एक विंडो आ जाएगी, उसमें आपको वो साइन अप वगैरह के लिए बोलेगा, साइन इन के लिए, उसको आप बंद कर दोगे तो ये सारे जो क्रॉस के सिंबल थे वो हट चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।